वीडियो तो so, दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि जमीन पर अगर किसी ने भी कर लिया है अवैध कब्जा तो जानिए आज किस वीडियो में उन इम्पोर्टेंट कानून के बारे में कि कि तरह से आपको आपको काफी एक मदद फुल साबित हो सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपकी जमीन पर भी या प्रॉपर्टी पर किसी ने भी कोई इलीगल कब्जा किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं आज के टाइम पे हम जानते हैं कि काफी क्रिमिनल केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कई लोग दूसरों के जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं जो कि एक क्राइम है प्रॉपर्टी पर जो हक है वो सिर्फ उसके मालिक का होना चाहिए क्योंकि वो उसका एक कानूनी अधिकार है जो कि उसको लॉ में प्रोवाइड करवाया गया है और आपको ये भी जानना जरूरी है कि, कि किसी भी प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उनको ये राइट दिया गया है कि उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा उसके इच्छा के यानी कि उसके मतलब अगेंस्ट नहीं किया होना चाहिए तो किसी भी और व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी के मालिक के इच्छा के विरुद्ध ही उसको जमीन

कई तरीके से मदद मिल सकती है तो आपको आज के इस वीडियो में इंडियन लॉज के बारे में बताएंगे कि जिसकी हेल्प से आप जो है अपने कब्जे को वापस पा सकते हैं या फिर कौन कौन से आप लीगल एक्शन ले सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर धोखाधड़ी से अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है तो आप क्या कर सकते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए आई के सेक्शन फोर के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति पर उसकी प्रॉपर्टी पर क्रिमिनल फोर्स या फिर डरा धमका कर उसकी जमीन से अगर बेदखल कर दिया जाता है तो इस धारा को लागू किया जाता है आप इस धारा के अंतर्गत किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं और फिर इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अपने इस अधिकार का उपयोग यूज कर सकता है दूसरी बात अगर किसी भी संपत्ति का अगर गलत इस्तेमाल किया गया है तो आप क्या कर सकते हैं यानी अगर संपत्ति का किया है गलत इस्तेमाल तो फिर आपको आईपीसी की धारा 406, यानी कि सेक्शन 406 जीरो सिक्स आई के अकॉर्डिंग अगर जमीन पर किसी मालिक ने अगर जमीन के मालिक ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने एक विश्वास पर अपनी प्रॉपर्टी या कोई ज़मीन दी थी और उस दूसरे व्यक्ति ने जो दी हुई प्रॉपर्टी है उसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो या फिर हम बात करें कि उसकी ज़मीन को ही बेच दिया तो फिर उस केस में क्या होगा कि अगर जमीन के मालिक के मांगने पर जब दूसरे व्यक्ति ने संपत्ति को प्रॉपर्टी को नहीं लुटाया तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे कानून के हिसाब से तीन साल की जेल हो सकती है या फिर उस दूसरे व्यक्ति को भारी राशि भी चुकानी पड़ सकती है क्योंकि उसने आपको प्रॉपर्टी दी थी उसका ध्यान रखने के लिए उसके रख रखाव के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पज से आपको प्रॉपर्टी दी थी लेकिन आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो वो सेक्शन फोर जीरो सिक्स आईपीसी में कवर होती है तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर किसी ने बनाए हैं आपकी प्रॉपर्टी के नकली डॉक्यूमेंट्स बना लिए कई बार होता क्या है कि कुछ डॉक्यू प्रॉपर्टी हम लेके ना कहीं इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन हम पे आना जाना छोड़ देते हैं और वहां पे जो लोकल गुंडा राज होते हैं जो माफिया लोग होते हैं वो एक प्रॉपर्टी के कई डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं और वो प्रॉपर्टी आपको भी बेच देंगे मेरे को भी बेच देंगे या वट तीसरे बंदे को भी बेच देंगे लेकिन हमें इस चीज का पता नहीं होता है तो पहला हमने देखा सेक्शन फोर फिर दूसरा सेक्शन फोर लेकिन तीसरे केस में अगर किसी ने डॉक्यूमेंट से दूसरे बना लिए फ्रॉड तो क्या किया जाए तो दोस्तों आपको इसमें बताना चाहेंगे कि आईपीसी के सेक्शन फोर 467 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी व्यक्ति ने धोखाधड़ी यानी कि फॉर्जरी करके नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं या फिर प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करने के इरादे से मालिक को नुकसान पहुंचाता है या कोई भी चोट पहुंचाता है या धोखाधड़ी करता है फॉर्जरी कमिट करता है तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो जो व्यक्ति है वो सेक्शन फोर के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रॉड के लिए उसको अपराधी होगा और आप जो हैं इस कानून के अकॉर्डिंग यानी कि इन लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं यानी कि जो, जो हमने सेक्शन देखे कि सेक्शन 420, सेक्शन 406, सेक्शन 467 एंड लास्टली सेक्शन 463 तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ कमिट होता है तो आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि आप इन धाराओं का यूज करके क्योंकि कभी अगर आप पुलिस स्टेशन जाते भी हैं और आप जब ये कंप्लेट देंगे पुलिस स्टेशन को कि भाई ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ है तो हो सकता है कि पुलिस स्टेशन कभी कोई धारा चार्ज मिस कर दे तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद यही चीज आपको पुलिस साहब को बतानी है पुलिस ऑफिसर को बतानी है कि जनाब उसमें आप ये धारा भी डालिए क्योंकि ये धारा पे ये केस बनता है तो दोस्तों अपना वकील खुद बनिए और इस धारा के अलावा और भी काफी धाराएं है होती हैं जो कि जनरली छोटी छोड़ छोटी बातों में जुड़ी होती हैं वहीं अगर बात करें एक धारा होती है सेक्शन थर्टी ऑफ आई जो कि बात करती है कॉमन इंटेंशन कॉमन इंटेंशन मतलब है कि जब भी कोई क्राइम एक या दो के ज्यादा व्यक्ति के द्वारा कमिट कमिट किया जाता है कि जिसमें उनका सामान्य आशय हो अपना एक इरादा हो तो उसके लिए वो भी ऐड की जाएगी तो इस तरह के काफी और भी सेक्शंस होते हैं तो यहां हमारा मेन मकसद था आपसे बेसिक प्रोविजन को शेयर करने का कि आप किस तरह धारा चार सौ बीस चार सौ छह चार सौ सतासठ चार सौ तिरसठ आईपीसी का यूज करके अपने अधिकार को वापस पा सकते हैं दोस्तों वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपका जवाब दिया जाएगा मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपको न्यू वीडियो के साथ